कुमाऊं के एमबीपीजी कॉलेज में 7 नवंबर को छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान होना है, जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कॉलेज परिसर में अध्यक्ष उपाध्यक्ष समेत छात्र संघ के सभी 10 पदों के लिए नामांकन शुरू हो गया है। आपको बता दें कि एबीवीपी प्रत्याशी सूरज रमोला और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी संजय जोशी ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र जमा किया है। वहीं नामांकन के दौरान छात्रों द्वारा खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई और छात्रों की कॉलेज प्रशासन और पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है, जिसको लेकर कॉलेज में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। वहीं कॉलेज प्रशासन और स्थानीय प्रशासन शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने का दावा कर रहे हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। 23 को नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी 11 बजे से। नामांकन के लिए हर कैंडिडेट का हमने अलग अलग बूथ बना रखा है। कैंडिडेट और उसके साथ उसका प्रस्तावक और अनुमोदक केवल 3 जने महाविद्यालय परिसर में प्रवेश करेंगे और अपना नामांकन करेंगे आज 3 बजे तक। पूर्ण 100% भरोसा सभी छात्र छात्राओं पे, और जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे इतना ज़्यादा प्यार और समर्थन मिलते आया है और आज भी और आगे भी इतना प्यार और समर्थन मिलेगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और जो हमारे देखिए छात्रों के लिए, जो छात्रों के हित में, महाविद्यालय के विकास के लिए, और केवल हम आज नहीं इलेक्शन के बाद भी केवल शिक्षा की बातें करेंगे, यहाँ पर राजनीति से दूर हटकर, चाहे वो कॉलेज में नए कोर्स ऐड करना हो, और जो हमारे छात्रों की इतने सालों से लगातार जेन्युइन प्रॉब्लम रही है। विद्यार्थी परिषद केवल छात्र हितों के लिए और समाज हित के लिए लगातार संघर्ष करता है और हम शिक्षा का बेहतर माहौल महाविद्यालय को देंगे। और ऐसे विभिन्न मुद्दों पर हमने मैनिफेस्टो भी जारी किया था, और जैसे कि पुस्तकें, लाइब्रेरी, यहाँ मूलभूत समस्याएं और डिजिटलाइजेशन हम करेंगे यहाँ महाविद्यालय। जो भी परमिशन आई है उसमें पुलिस की रिपोर्ट के बाद, टीआई की रिपोर्ट के बाद परमिशन दी गई है, और अगर किसी भी तरीके की अराजकता किसी भी व्यक्ति के द्वारा की गई है या की जाएगी तो उस पर जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। और मैं पुलिस प्रशासन के साथ स्वयं यहाँ पे मौजूद हूँ, खुद भी नजर बनाए हुई हूँ, कहीं भी अराजकता दिखाई देगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, जो आवेदन जिन लोगों ने किया उनको अनुमति दी गई है और जुलूस निकाल रहे हैं, अगर कोई ऐसी काम करेंगे, अराजकता करेंगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।